आवाज आ रही है ना आपको? कुछ भी मजेगा, जबरदस्त, अंदर से थोड़ा सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी, बहुत ही मजे का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आपको मेरी तरफ से रमजान मुबारक। तो आज हम रमजान स्पेशल में बना रहे हैं नूडल पकोड़ा, मतलब मैगी नूडल पकोड़ा। इतना क्रिस्पी, इतना मजे का है ना कि आप मजबूर हो जाएंगे घर में ट्राई करने के लिए। आप इसे देखें और इसे घर में ट्राई करें। तो उसके लिए हमें जो चीजें चाहिए, 2 पैकेट मैंने मैगी नूडल्स के लिए हैं जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया है। कटी हुई बंद गोभी लेंगे हम 1/2 कप, पालक लेंगे हम 1 कप कटी हुई, प्याज लेंगे मीडियम साइज का कटा हुआ छोटा छोटा, गाजर कटी हुई हम लेंगे 1/2 कप बिल्कुल लंबाई में बारीक बारीक कटी हुई, बेसन लेंगे हम 1/2 कप, जीरा पाउडर लेंगे हम 1 टीस्पून, धनिया पाउडर लेंगे हम 1 टीस्पून, मैगी नूडल्स का मसाला लेंगे हम 1 टीस्पून, जो 2 पैकेट में से मसाला निकला था उसमें से मैंने 1 टीस्पून मसाला निकाल लिया। लहसुन पाउडर लेंगे हम 1/2 टीस्पून, सोया सॉस लेंगे हम 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे हम 1 टेबलस्पून, नमक लेंगे हसबे जायका, क्योंकि मैगी मसाले में भी नमक है तो इसलिए मैं नमक हसबे जायका ले रही हूँ, अपने टेस्ट के मुताबिक आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 टीस्पून, कटा हुआ हरा धनिया लेंगे हम 2 टेबलस्पून। तो ये चीज़ें चाहिए हमें नूडल्स पकौड़ा बनाने के लिए, मतलब मैगी नूडल्स पकौड़ा बनाने के लिए। तो ये बहुत जल्दी बन जाता है और कुछ चेंज भी है इसमें, पालक है इसमें, गाजर है, प्याज है, बंद गोभी, बहुत डिफरेंट किस्म का पकौड़ा है। तो चलें रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बॉल में डालेंगे बंद गोभी, कटा हुआ प्याज, पालक कटी हुई, कटा हुआ हरा धनिया, गाजर, बेसन डाल देंगे, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, सोया सॉस, लहसुन पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिक्स करेंगे इन्हें। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे मैगी बॉइल्ड किए हुए, ठीक है, और साथ इसमें मैगी मसाला। सारी चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये पकौड़ा इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हम इसमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते, सिर्फ चंद कतरे, 2 टेबलस्पून मैं इसमें पानी डालूंगी, ठीक है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून मैं इसमें पानी डाल दूंगी पास, और मिक्स कर लूंगी। इस पकौड़े में ज़्यादा पानी नहीं जाता, ठीक है, ये जो पकौड़ा है ना मैगी नूडल पकौड़ा, इसमें ज़्यादा पानी नहीं जाता। अगर डालेंगे तो फिर ये होगा कि जो नूडल्स हैं वो बिल्कुल पानी की तरह नरम हो जाएंगे, ठीक है ना, इसलिए हम पानी इसमें कम डालेंगे, मतलब 2 टेबलस्पून 1 टेबलस्पून डालेंगे। और तो और हमने इसमें बेकिंग सोडा भी ऐड नहीं किया, ठीक है, तो ये बहुत हटके पकौड़ा है। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रखते हैं, उतनी देर हम ऑयल को गर्म कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई ले ली है मैंने, इसमें ऑयल डाल दिया, ऑयल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। अगर ज़्यादा गर्म हो जाए ना तो फ्लेम को आप बिल्कुल लो कर दें, अगर ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाए, ध्यान कहीं और हो तो ऑयल गर्म हो रहा हो तो उसको आप बिल्कुल हल्का कर दें, फिर उसके बाद पकौड़े ऐड करें उसमें, ठीक है। ज़्यादा गर्म, हाई फ्लेम, धुआं निकलता हुआ में आप पकौड़े मत डालें। अगर डालेंगे तो ये होगा पकौड़े बहुत जल्दी कलर कर देंगे, मतलब कलर हो जाएगा उनका और अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। तो ये देखें ऑयल हमारा मीडियम गर्म हो चुका है, तो अगर आपसे ज़्यादा ऑयल गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो कर दें, ठीक है। तो हमारा मीडियम ऑयल गर्म है तो हम मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा पकड़ेंगे इस तरह, इसको शेप दे देंगे हाथ से और इसको फ्राई करते जाएंगे। ये देखें इस तरह से लिया, थोड़ी सी शेप दी और डाल दिया, इस तरह से लिया। आलू भी आप इसमें डाल सकते हैं, जो भी आपको सब्जी पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं, डालते गए। तो ये देख सकते हैं इनका कलर, तो ये देखिए मैगी पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, अभी हम निकाल लेंगे। और इसी तरह हम बाकी के भी कर लेंगे। तो
तो आप भी ये पकौड़े ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि इसमें सब्जियां भी हैं, पालक भी है, सबसे बेस्ट बात पालक है इसमें, तो और गाजर भी है और बंद गोभी भी है, बहुत सी सब्जियां हैं, तो इसलिए फ़ायदेमंद पकौड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, बच्चों को नूडल्स बहुत पसंद होते हैं, तो ये बच्चों के लिए स्पेशली पकौड़े हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जो ज़िद करते हैं हमने रोज़ा रखना है, तो ये उनके लिए, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, उनको आप कहेंगे कि नूडल पकौड़े हमने बनाए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होकर ये खाएंगे। तो बहुत से बच्चे हैं जो सब्जियां नहीं खाते, ये उनके लिए भी है। तो ये देखिए, बातों बातों में ये भी फ्राई हो गए हैं, इन्हें भी हम निकाल लेंगे। जबरदस्त से लग रहे हैं। तो तैयार है हमारे मैगी पकोड़े, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मजे के, और आप जब इसे ट्राई करेंगे ना, तो वाकई कहेंगे कि आमना ने सच कहा था, बहुत ही जबरदस्त बनी है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है, तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आवाज आ रही है ना आपको, कुछ भी मजे का, बहुत ही मजे का बना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर से कैसा लग रहा है। ये देखिए, जबरदस्त से अंदर से थोड़ा सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी, बहुत ही मजे का। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, और इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये नूडल पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको ये मजे का टेस्टी से मैगी नूडल्स पकौड़े की रेसिपी अच्छी लगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर में से शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पे क्लिक करके लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलेगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।